हेलो वेलकम दोस्तों। और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ यूपी पुलिस 2019 नया वैकेंसी आने वाला है, जो कि 52,000 कुल पद है, जो कि ओपी सिंह यानी कि ओम प्रकाश सिंह ने कुछ बताया है इस वैकेंसी के बारे में, जो मैं आपको इस बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। बहुत ही बड़ा ये वैकेंसी है जो कि नई रिक्वायरमेंट आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो देखिए ओपी सिंह ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में पुलिस ने क्राइम कंट्रोल किया है और लोगों के साथ पुलिस के आचरण में भी बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,30,000 पुलिस के पद भरे जाने हैं, इसमें से 41,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और हम आपको बता दें जो 49,000 की प्लस जो सीटें आई थी वो अभी जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, तो इसी की वजह से ये वैकेंसी आने में थोड़ी देरी हो सकती है। वो प्रक्रिया पूरी होते ही ये वैकेंसी आउट कर दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है दिसंबर माह तक प्रवेश में 52,000 सिपाहियों की भर्ती शुरू हो जाएगी, जो मतलब कि दिसंबर माह तक ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा 52,000 सिपाहियों की भर्ती, जो कि बम्पर भर्ती है। उत्तर प्रदेश युवाओं को सुनहरा मौका मिलने वाला है एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि ये मेरिट के बेस पर होगा, तो अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है, ये नोटिफिकेशन आएगा तभी हम आपको ये क्लियर बता सकते हैं। तो देखिए इसमें और भी कुछ बातें ऐड की गई हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने कहा 100 डायल से दमकल विभाग, जो पहले 100 ओनली पुलिस, अगर हम 100 पर कॉल करते थे तो ओनली पुलिस आती थी, लेकिन अब इसमें कुछ ऐड किया गया है, जो अगर हम 100 पर डायल करेंगे तो दमकल विभाग और महिला हेल्पलाइन को भी इसमें ऐड किया जाएगा 100 नंबर में। तो अब हम 100 नंबर पर डायल करेंगे तो जो घायल होंगे उनको भी अस्पताल पहुंचाया जाएगा और दमकल एंड महिला हेल्पलाइन भी ऐड किया जाएगा। तो ओपी सिंह ने ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी